हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अभी सुबह सुबह उठ गई और मम्मी और दीदी तो बेड में हैं। और मैं उठ के अभी सबसे पहले जा रही हूँ गेट खोलने के लिए। ये देखिए सुबह का नज़ारा, पूरा पीछे में फोगी फोगी हो रखा है। हमेशा तो मेरा स्टूडेंट लोग गेट खोल के आता है, आज होने से सेकेंड सैटरडे है इसलिए मेरा ट्यूशन नहीं है, नहीं तो अभी तक तो ये मेरा स्टूडेंट लोग खोल के आ जाना था गेट। ये मैंने खोल दिया गेट भी, अभी जाती हूँ। उसके बाद पहले किचन का दरवाज़ा खोल लेती हूँ। एक दो मुर्गा बाहर निकल के आ गया और हम लोग का आंगन में पूरा पत्ता पत्ता होता है क्योंकि ऊपर में है आपका पीपल का पेड़, इसी कारण। ये दूसरा का मुर्गा आ चुका है, मैं खोलूँगी अभी किचन। इसे यहाँ रख देती हूँ, करंट है कि नहीं, करंट होने से लाइट लगा के देखती हूँ। मुझे सुबह सुबह होने से गला दर्द हो जाता है, मेरा गला दर्द शुरू होता है क्योंकि मेरा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है वही। सबसे पहले मैं यहाँ से चावल ले लेती हूँ एक टोकरी। सुबह सुबह से मैं क्या करती हूँ आप लोग देखिए बोल के, अलग दिन तो मुझे समय नहीं मिलता क्योंकि मॉर्निंग उठते मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ जाता है। अभी मैं खोलूँगी मुर्गी। ये हम लोग का मुर्गी लोग की अंडा दे रहा है। मैंने आज सपना में भी देखा था मुर्गा का, और मुर्गा का बोला मुर्गी का अंडा। एक मुर्गी अंडा का मतलब अंडा से बच्चा निकल रहा था, और अंडा एक बहुत सारा देखा था मैंने। ओ गुस्सा कर रहा है ये, इतना डरावना दिख रहा है इसको तो। इसमें कुछ मैंने ओ मम्मी, अभी मैं खोलूंगी मुर्गा। हम लोग का मुर्गी मुर्गा यहाँ पे है। ऐ आ आ आ आ आ जाओ, खुद लोग आ जाए। और यहाँ पे एक ढक के रखा है, नहीं है बिस्मिल्लाह, यहाँ पे है शायद, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये सब काम ज़्यादातर मम्मी करती है, ये ढकती है मम्मी, शाम को बंद करती है मुर्गा मुर्गी, ये सब मम्मी करती है ना, इसलिए हम लोग का मुर्गा, ये मुर्गी छोटी छोटी बच्चे बच्ची, वो तो दूसरा का है बड़ा वाला मुर्गा। अभी मैं ये लोग का दाना डाल देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से देखिए मैंने एक टोकरी चावल लाया है किचन से, उसके बाद में यहाँ पे है धान। अभी मैं इसे देती हूँ धान दे दिया, अभी चावल देती हूँ चावल, क्योंकि हम लोग धान सिर्फ नहीं देता है चावल भी देना पड़ता है, क्योंकि छोटा छोटा मुर्गी का बच्चा है इसी कारण वो लोग धान खा नहीं पाते है ना। ये देखिए ये लोग का अच्छा है, सुबह उठते ये लोग को ब्रेकफास्ट मिल जाता है, फिर हम लोग का लंच भी देता है मुर्गा को। वो आगे दे देती हूँ थोड़ा। ओहो यहाँ में एक है, मैं तो इसे भूल गई, इसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ। यहाँ में एक छोटा सा मुर्गा है यहाँ में, ये देखो ये, ओ दो है तो ऐ ला, ये पिचकी मिचकी सबसे छोटू, इसे कोई खाने नहीं देता है ना, पूरा मार मार के भगाता है, इसलिए इसको अलग से देना पड़ता है, हमें दे देती हूँ। ये लोग का ठीक है, सुबह उठ के ना ब्रश ना मुंह धुला ना सीधा ब्रेकफास्ट, अच्छा है। अगर मुर्गी मुर्गा लोग ब्रश करने फेस धुलाने लग गया तो आदमी लोग क्या करेगा भाई। दूसरा का तो बात छोड़े, मैं खुद ही नहीं करती। चलो तुम लोग खाते रहो, मुझे मेरा अलग काम है अभी, झाड़ू वाड़ू। अभी मैं सबसे पहले ये हम लोग का आंगन झाड़ू मार लेती हूँ, बहुत गंदा हुआ है, फूल सब भी बेचारा पूरा मुरझा मुरझा हुआ है। ओ ये देखिए हम लोग का खिलने वाला फूल ज़्यादा नहीं है, सब पत्ता वाला फूल ही, क्योंकि मुझे पत्ता वाला फूल ही पसंद लगता है। फूल वाला तो एक बार खिलते फिर वो हो जाता है ना आपका मुरझा जाता है, पत्ता तो ऐसा नहीं है ना हमेशा।
हमेशा फौरी भर रहता है ना पत्ता वाला फूल। तो यहाँ पे गोदोरी बोलते हैं हम लोग क्या इसको, हाँ गोदोरी फूल खिल रहा है, ये देखिए गोदोरी फूल। बाहर में बहुत फोगी फोगी है ना, इसलिए मैंने ये शॉल जो लेके रखा है सर पे, और इस भी मेरा गला का प्रॉब्लम है, और ज़्यादा ये फोगी फोगी सर में लग जाने से ज़्यादा ही गला शुरू हो जाएगा, ज़्यादा गला दर्द, इसलिए मैंने ऐसे शॉल लेके रखा है। और ठंडी भी बहुत है यार। वैसे तो हम लोग का अंगना तो छोटा दिखता है, फिर भी हम लोग का घर का चारों ओर लगा लगा के पूरा थक जाती हूँ, पूरा 1 आवर्स लग जाती है झाड़ू लगाते लगाते। मम्मी भी उठती है, अपने काम में लग गई है। ये देखिए ये धान का खेर जो हम लोग बोलते हैं पड़ार। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? खेर सब मुर्गी फेंक दिया, धान का इसका जमा कर रही हो? बोके मरमर के लिया, वही तो उसका उठा उठा करके रख रही हो? रख रही हो, नीचे का गाय का दिया। ये सब धान का खेर माँ ने, मेरी मम्मी ने लेके यहाँ पे जमा करके रखा है। सुबह शाम को गाय को देना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग का गाय ने, दो गाय ने बच्चा भी दे रखा है, इसलिए ये सब यहाँ पे ऐसे कोल के पेड़ में जमा करके रख दी थी। तो सब मुर्गा मुर्गी ने पूरा नीचे में फेंक दिया, फिर इसको जमा करके मम्मी रख दे रही है। नीचे में पूरा लकड़ी रखा है, ऊपर से बाहर से घेरा भी दिया। वही तो लगा लगा। हाँ ठीक है, आप रखते रहिए, मैं चाय बनाती हूँ। जो हम लोग का गाय ने बच्चा दिया, मैंने बोला है ना छोटा छोटा, ये देखिए बहुत प्यारा प्यारा है, बछड़ा है बछड़ा, ये मेल है मेल, फीमेल नहीं, ये बड़ा है, उसके बाद ये छोटा वाला, ये 31 को दिया है, 31 को जन्म दिया इसको। देखिए उधर फोगी फोगी हो रखा है पीछे साइड में। ये मेरी बड़ी सिस्टर भी उठ गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, उठ गया? उठ गया। उपाय नहीं है, पानी भर रही है मेरी दीदी, मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ। देखिए ग्रीन ग्रीन हरियाली, सिर्फ एक ही टेंगा लगा हुआ है, एक मींस लगा था सब गिर के खत्म। हम लोग का कोलगेट भी खत्म हो चुका है, ये इसे मैं अभी काट के यूज करूंगी, आप लोग भी शायद कोई कोई करता होगा। ये देखिए खत्म हो गया, फिर भी इसके अंदर बहुत सारा, इसलिए मैं इसे सीजर से काट के यूज करूंगी। खत्म होने से थोड़ा रह जाता है ना, इसे हम लोग ऐसे काट के सीजर से फिर इसको यूज करते हैं हम लोग। अलग कोलगेट तो है, मैंने लेके रखा है नमसे से, लेकिन फिर भी क्यों, देखिए इसके अंदर इतने सारा पेस्ट है। देखिए ये देखिए, आप लोग भी ऐसा यूज करता होगा, कौन कौन यूज करता है कमेंट में लिख दीजिए। ये देखिए हम लोग ऐसे करके, ऐसे निकल के, ऐसे करके, ये देखिए इतना सारा है ना, और भी है इसके अंदर में। देखिए अगर अगर किसी ने ये काम नहीं किया है, कोलगेट खत्म होते ही फेंक दिया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं काट के। ये देखिए आज सैटरडे है, इसलिए हम लोग का घर में सुबह सुबह हनुमान चालीसा लग चुका है। मैं मोबाइल में देख के फेस धुला रही हूँ। दोस्तों मैंने ब्रश भी कर लिया, फेस भी धुला लिया। दूसरा लोग तो सबसे पहले शायद फेस धुलाता है, ब्रश करता है, लेकिन मैं तो घर का साफ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू, उसके बाद ही। यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर उठ गई, अभी किचन में क्या बना रही हो दी? चाय। चाय। ये मेरी सिस्टर ब्लैक टी पका रही है, उसके बाद में अभी ये रात का बर्तन सब धुला के रखा, सब खाली करेगी। ओ मम्मी, अभी मैं फटाफट फेस हाथ मुंह पोछ लेती हूँ। जग जाना।
अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर से जाऊंगी गाय बांधने। दीदी चाय पकाने तक मैं बरांडा झाड़ू मार लेती हूँ। दीदी ने चाय लेके आ गई। आमा चाय पीने आओ ना। सुबह का चाय दीदी पी रही है। नहीं दिखा बोल रहा है, इसे और दिखा देती हूँ। ये ब्लैक टी क्यों शर्म लगता है? थाल तो हम लोग का पूरा फट चुका है रे, ये बहुत पहले का थाल है, फिर भी यूजफुल हो जाता है, कभी कभार फेंका चीज भी काम आता है बोलते ना इसी तरीका से। ये पी रही है चाय पाँव उठा के। छोटे बच्चे लोग खेल रहे बाहर में, इसे मैं बुला रहा हूँ। शिवदास कम हियर। क्या कर रही थी तो? खेल रहे थे पापा का ड्यूटी। मम्मी ते चेहरा के बहुत अती सत्य धूली मुख दिस ना नहीं उठरा। और तोर में फिल्म आ जाम। हाँ आ जाइए अम्मा, चाय ला दिया है दीदी ने, चाय पी लीजिए। ये कहाँ से लकड़ी लेके आया? बगान से। के ली राखो, क्या लेके आया? डिब्बा। सुबह सुबह खाली डब्बा लाता है क्या? सुबह सुबह खाली डब्बा लाता है क्या? हाँ मिठाई लाना है, मिठाई खाली डब्बा लेके आता है जो। अभी ले जाऊंगी गाय बांधने। ये सब गाय तो, ये वाला गाय और वो गाय तो बच्चा दिया, ये लोग को, ये दो गाय को तो दीदी दूध दुलाएगी। ये गाय को और ये इसको ले जाती हूँ। ओहो देखी मैं पानी छोकी छे ना। उधर से जाओ ना। हो अभी जा रही हूँ गाय बांध के आ जाती हूँ ना। कितना टाइट हो? ये है शिवदास ना, मेरा साथ आया था ये बच्चा। मेरा घर के पीछे ऐसा प्लेग्राउंड है और यहाँ पे कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसे वाल उठा रहा है वो ऑफिस सब। और वहाँ पे है सर्कल ऑफिस, वो मीटिंग हॉल और ये प्लेग्राउंड। हम लोग गाय बांध के भी आ गया और मैं तो पूरा थोड़ा मोटी हो गई ना घर में आजकल रह रह के, तो थोड़ा दौड़ने से मेरा सांस फूल के आता है। ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है ये लड़का। हम दोनों होके गाय बांध के आ गया और अभी सुबह का धूप भी निकल रहा है, कड़क वाला धूप, तो इसलिए स्वेटर वेटर भी खोल दिया मैंने, क्योंकि धूप निकल चुका था ना इसलिए। यहाँ पे दीदी गाय दुला रही है हम लोग का। वो एक गाय है और ये देखिए इस तरीका से दुलाती है। ये इसका बच्चा खोल दिया पूरा। ये देखिए सुबह का धूप रोशनी, खुला आसमां। हाथ धुला लेती हूँ रे, बहुत गन मारता है गाय का रस्सी पकड़ा वाला हाथ। ये मेरी मम्मी ने कहाँ से इतना सारा लेमन गोल नींबू लेके आई पता नहीं। नींबू कहाँ पर ली नींबू? आमा बोरा अंकुल को बोलो, बोरा अंकुल का घर से लेके आया बोलते। अभी ये और मैं हाथ धुला लेती हूँ क्योंकि बहुत मजा स्मेल आता है ना हाथ। राम रोशन टाओ जाने हाथ रस्सी धरे को है तो थी। हाथ धुला ली। अभी जा रही हूँ मार्केट, बाजार जा रही हूँ। हम लोग का लोकल बाजार, लोकल मार्केट यहाँ पे घर के पास नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं है, लग जाता है पैदल 10 मिनट जैसा लग जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर का काम वाम करके काम। लेकिन मेन थिंग जो मैं आज सुबह सुबह क्यों अभी जल्दी बाजार जा रही हूँ बोलने से, क्योंकि 15 को मंडे को है हम लोग का मकर संक्रांति। मेन थिंग जो तिल का लड्डू वो जो हम लोग का चाहिए चाहिए, इसलिए अभी अगर मैं अर्ली मॉर्निंग मीन्स हो गया अभी 9 बज चुका है, 9:30 something, तो वो मेन है तिल का लड्डू जो काला तिल का बनाया जाता है, इसलिए मुझे तिल चाहिए मेन चीज़ जो, वो नहीं मिलेगा बल्कि अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ। सबसे पहले तिल ले लेती हूँ। क्या नया ना पूरा नया है? नया है ना। कैसे है किलो? किलो नहीं टैग 200 रुपये का किलो। ये नया है तो ना? नया है, ये फट गया होगा, गिर गया होगा। अरे अंकल देखिए पूरा मकर संक्रांति का बाजार यहाँ पे बिक रहा है। अगर एक पुआ करके है तो 4 टोपला होने से 1 किलो हो जाता है। हाँ और ये 2 मिला से 1.5 किलो। 200 ये कितना होगा?
300 होगा ना। ये मैंने तिल भी ले लिया ये अंकल का दुकान से। ये यहाँ में मुड़ी लड्डू बोल रहे हैं आपका 20 का 10 पीस, तो यहीं से ले लूँगी। अच्छा अच्छा दीजिए ना आंटी, आज तो बहुत ज़्यादा आया है मुड़ी ये सब चीरा तिल का दुकान सब, क्योंकि बिहू है ना, फेस्टिवल है मकर संक्रांति, इसलिए ये नारियल गुड़ ये सब बाद में ले लेती हूँ। अभी मेन तो मुझे तिल लेना था, ले लिया ये। कितना का देगा? 100 का 50 पीस मिलेगा। नहीं तो 120 का दे दीजिए। 120 जी, 120 का देने से आपका कितना 60 पीस। ये देखिए सूखा मूढ़ी और ये गुड़, ये लड्डू, ये मैंने ले लिया मुड़ी लड्डू 60 पीस। और ये स्वीट पोटैटो ले लेती हूँ क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा, है कि नहीं? बाद में मिलेगा okay. ये मीठा आलू मिलेगा बाद में? कुछ मिला वो, ये तो सब खत्म, सब खत्म ही हो गया ना। हाँ ये आंटी का यहाँ से हमेशा लेती हूँ। देखो सुंदर सुंदर आंटी हंस रहे। थोड़ा सुअर मीट ले लेती हूँ। मैं बाजार करके भी आ गई, अभी जा रही हूँ घर। मेन थिंग तो वही मैंने बोली थी, काला तिल के लिए आई थी तो ले लिया काला तिल। फाइनली मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब, झोला भी भारी है। मैंने बाजार से मार्केट से तिल लेके भी फटाफट, ये देखिए मम्मी धुला रही है तिल, क्योंकि अभी समय नहीं है, कल तो हम लोग को बनाना पड़ेगा ये सब पकवान सब रात को, तिल का लड्डू और क्या क्या बहुत सारा। और ये मोटी बहन कहाँ जा रही हो, हाथ पाँव धुलाने? दो गाय का दूध ऐसे उबाल के रख दिया। ये रात का चिकन सब्जी है, चिकन, उसके बाद में लाओ आलू मैंने बनाई थी, और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा आलू और मटर का सब्जी था उसको भी ऐड कर दिया। इसको गर्म कर रही हूँ, ये गर्म होने के बाद मैं मम्मी दीदी खा लेती हूँ। सलाद भी बना लिया, पानी गर्म कर लिया, करण किटली धुला के रख दिया दीदी ने, इसलिए सॉसपैन में गर्म कर लिया। अभी खाना निकाल के खाएंगे मजे से। ये खाना तो खा लिया, खाने के लिए बर्तन तो देखिए बाप रे। अभी थोड़ा बैठ लेती हूँ, उसके बाद फिर ये धुलाना है। तिल लेके आई थी ना मार्केट से, वो मम्मी ने धुला के सुखा भी दिया। वो उधर ऊपर में एक जगह, वो ऊपर उसमें टीना के ऊपर सुखा दिया एक डाला में। ये देखिए मेरा शेड, मेरा सर में ऐसा जोर से लगा ना अभी, जस्ट खाना खाके मैं बर्तन लेके निकल रही थी किचन से, ऐसा जोर से सर में दिया ना बापरे, तालू में आलू निकाल दिया था, पूरा चक्कर लग गया। देखिए नारियल छिलते छिलते चप्पल टूट गया, पूरा छूटी ना काली केटी का। पका रही हूँ, ये देखिए मच्छी और टमाटो। की बनाएंगे नारियल लड्डू बनाऊंगी को, की लड्डू बना ली, की लड्डू बना लो, तापस सिया लड्डू बना लो, मुई लड्डू, तापस मुई लड्डू, तापस एक नी बना ले नींकी, तापस बना ले खूबा, एक बना बो आसे नारियल लड्डू, नाइकल नाइकल लड्डू।